नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। दोस्तों, जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने 17-20 पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म का डेट जारी कर दिया है। यदि जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट सभी जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर से अच्छी तरह समझाऊंगा। 17-20 पार्ट 3 का परीक्षा होगा, जो परीक्षा फॉर्म का डेट है जारी कर दिया गया, और साथ में उसका शुल्क भी, परीक्षा फॉर्म का जो शुल्क लगेगा, जो पैसे लगेंगे, कितना लगेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए सभी छात्रों के साथ। और ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सभी छात्रों के लिए। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक, ने जारी किया है, जो आप लोगों को बता दूं माननीय कुलपति महोदय के आदेश अनुसार। ठीक है, मतलब कुलपति के आदेश के अनुसार ये जारी किया गया है सभी छात्रों के लिए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो, और चैनल पर नियोजन है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन इसमें पूरी जानकारी अच्छी तरह समझाऊंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सभी छात्रों को कि इसमें बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सभी अंगीभूत और स्नातकोत्तर महाविद्यालय छपरा सिवान गोपालगंज जेड ए इस्लामी कॉलेज सिवान विभाग अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, सभी स्नातकोत्तर विभाग जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर 17-19, ठीक है, 17-19 तृतीय सेमेस्टर 2019 के परीक्षा पत्र एवं शुल्क विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के संबंध में यह जारी किया गया है। ठीक, आप देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा उन छात्रों को, यहां पर देख लीजिए, उपयुक्त विषयक एवं निर्देश अनुसार सूचित करना है कि स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर 17-19 परीक्षा 2019 के लिए परीक्षा पत्र शुल्क के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में निम्न रूपेण तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, निम्न रूपेण तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे, ये ध्यान रखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डेट दिया हुआ है, आप लोगों को अच्छी तरह समझा दूंगा इस वीडियो में, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर समझिए, बहुत सारे छात्र दिक्कत हो जाता है, समझ नहीं पाते तो गड़बड़ी में, आप लोग वीडियो को आगे पीछे थोड़ा सा भी मत भगाइएगा दोस्तों, वरना आप लोगों से मिस हो सकता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने रेखा खींचा है गोल वाला, इसी में आप लोगों को समझना है सिर्फ। ठीक है, और चलिए बताते हैं, देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर, परीक्षा पत्र स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2019 के बिना विलंब शुल्क, बिना विलंब शुल्क, ठीक है, मतलब एक रुपया भी नहीं, ठीक है, एक रुपया भी नहीं लगेगा, ध्यान से रखिए, जब परीक्षा पत्र आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो एक रुपया भी नहीं लगेगा उस समय, वेबसाइट पे, वेबसाइट के माध्यम से ध्यान से सुन लीजिए, बिना विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थियों के विभाग महाविद्यालय में जमा करने की तिथि जो है 10/3/2021 से 15/3/2021 तक ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, आप एक नज़र यहाँ पर डाल लीजिए सभी छात्र, यहाँ पर एक नज़र डालिए, देखिए, ठीक है, अब एक नज़र यहाँ पर डालिए, अब नीचे वाला परीक्षा पत्र स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2019 विलंब शुल्क मात्र 200 रुपये, देखिए बताया जा रहा है कि अब ये लगेगा विलंब शुल्क मात्र 200 रुपये के साथ विद्यार्थियों के लिए विभागाध्यक्ष महाविद्यालय में जमा करने की तिथि जो है 16/3/2021 से 17/3/2021 तक निर्धारित किया गया है। ठीक, आप देखिए यहाँ पर एक नज़र डालिए सभी छात्र, अच्छी तरह समझ लीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाविद्यालय विभाग के लिए विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में स्वीकार करने की तिथि जो है 16/3/2021 से निर्धारित किया गया है, जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है 18/3/2021 तक। ठीक है, देख लीजिए 18/3/2021 तक ये विश्वविद्यालय में स्वीकार करने की तिथि डेट जारी की गई है, लास्ट डेट है। आप देखिए इसमें ये बताया जा रहा है, देखिए एक नज़र यहाँ पर ये भी डाल लीजिए, परीक्षा शुल्क स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2019 के मध्य हेतु निर्धारित शुल्क 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को बताया जा रहा है। अब इसके नीचे आप लोग पढ़िए, अच्छी तरह समझिए, पढ़ सकते हैं आप भी, छात्र परीक्षा पत्र को वेबसाइट पर www.jpuresults.in पर ऑनलाइन भरकर उसकी प्रिंट के साथ संबंधित कागजातों को संकलन कर महाविद्यालय विभागों में सत्यापित कराकर जमा करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप लोगों को ये सब जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ट्वेल्थ का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेकेंड ईयर का, जैसे कि तृतीय सेमेस्टर, ठीक है, ये परीक्षा फॉर्म का तृतीय सेमेस्टर यानी पार्ट 3 का भरेंगे, और जो पार्ट 2 वाला है उसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है, आप वो सब लेके जाएंगे कॉलेज में। ठीक है, वो सब कॉलेज में ले जाके सत्यापन करवाना होगा उसका, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग यहां पर देख लीजिए, बताया जा रहा है,
स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2019 परीक्षा पत्र के साथ स्नातकोत्तर प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की अंक पत्र, प्रवेश पत्र तथा पंजीयन पत्र की छाया प्रति विभाध्यक्ष अथवा प्राचार्य द्वारा अभी प्रमाणित संकलन करना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं आपको बताया कि सेकेंड ईयर का, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय सेमेस्टर का अंक पत्र आपको चाहिए। देखिए बता देता हूँ कि कॉलेज में क्या क्या लेके जाना है आपको। ठीक है, जब आप परीक्षा फॉर्म भर देंगे वेबसाइट के माध्यम से तो आप लोगों को क्या क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। कॉलेज में आपको जो द्वितीय सेमेस्टर है, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर का जो आप लोगों का अंक पत्र है वो लेके जाना है, प्रवेश पत्र लेके जाना है और पंजीयन पत्र लेके जाना है। उसके बाद जो आप लोग ये फॉर्म भरेंगे उसका छाया प्रति यानी एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ये सब यही लेके जाना है बस। इतना लेके जाने के बाद आप शुल्क के साथ वहां जमा कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का सत्यापन कर लिया जाएगा कॉलेज में। अब यही सब बताया जा रहा है। दूसरी बात यहां पर बताया जा रहा है, परीक्षा पत्र में विश्वविद्यालय पंजीयन संख्या अंकित करना तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति विभाजित प्राचार्य द्वारा। देखिए बताया जा रहा है इसमें यह कि अमी प्रभारी, जी हाँ दोस्तों, अभी प्रमाणित संकलन करना अति आवश्यक। परीक्षा मंडल के निर्देशानुसार पंजीकृत छात्रों की परीक्षा पत्र भरने की स्वीकृत प्रदान की जाती है। बिना पंजीयन, देखिए बिना पंजीकृत छात्रों के परीक्षा पत्र यदि सत्यापित या अग्रसारित की जाती है, मतलब यह है कि अगर आप लोग, जब तक देखिए आप लोगों को बता दूं मैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप, जैसे कि वेबसाइट के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे लेकिन अगर सत्यापन कॉलेज में ले जाकर नहीं कराएंगे, कॉलेज में ले जाकर डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे, तो आप लोगों का जो है ये अग्रसापित कर दिया जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका परीक्षा फॉर्म फिर नहीं होगा अगर नहीं भरेंगे और कॉलेज में ले जाकर डॉक्यूमेंट नहीं जमा करेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, कॉलेज में आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर का जो अंक पत्र है वो जमा करना है, प्रवेश पत्र लेके जाना है, साथ में आपको पंजीयन पत्र लेके जाना है। ठीक, यही तीन डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और जो आप लोग परीक्षा फॉर्म भरेंगे, परीक्षा फॉर्म में आप लोगों को उसका एक प्रिंट कॉपी ले लेना है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसी वेबसाइट पर, ये वेबसाइट दिख रहा है आप लोगों को www.jpuresult.in, या ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर आप लोगों को ऑनलाइन भरकर उसकी प्रिंट आउट निकालना है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करिएगा सभी छात्रों के साथ, लाइक करिएगा और चैनल पर न्यूज़र है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यदि अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन लग रहा है, किसी भी तरह का कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और जो भी कोई नई अपडेट आएगी पल पल के अपडेट नोटिफिकेशन पाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। चैनल पर नहीं जरूर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।